हेलो फ्रेंड्स, ज्योति टेस्टी ट्रीट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पकवान, वो भी घर पर। ये बनाना बहुत आसान है और आपको टेस्ट आएगा बिल्कुल बाहर जैसा। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे सारे अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल पकवान बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बोल मैदा। चने की दाल को मैंने 4-5 घंटे भिगोकर रख दिया था और देखिए ये फूल भी गई है। सब्जियों में मैंने लिया है एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ प्याज, यहाँ पे मैंने धनिया को भी शॉप चॉप कर लिया है, हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा काटा है, देन मैंने यहाँ पे लिया है कड़ी पत्ते। मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ मैंने खड़ी लाल मिर्च भी ली है, एक चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर। चलिए अब चने की दाल को उबाल लेते हैं। जिस कटोरी से मैंने चने की दाल ली थी उसी से मेजरमेंट करके मैंने 2 कटोरी इसमें पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, इसमें अब मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हमें इस दाल को 2-3 सीटियों तक अच्छे से उबलने देना है। जब तक हमारी दाल पक रही है हम पकवान के लिए डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने दाल में भी नमक डाला है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, तेल 1 बड़ा चम्मच डालिएगा। नमक और तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदा में। अब इसका डो तैयार करने के लिए हम इसमें धीरे धीरे ही पानी डालेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है, हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल के ही इसे तैयार करेंगे। देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ना मैंने ज़्यादा सख्त लगाया है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाया है। चलिए अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए 3 सीटियों के बाद दाल अच्छे से उबल चुकी है और ये ज़्यादा पतली भी नहीं हुई है। चलिए अब इस दाल को हम छौंक लेते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में और इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को तड़काने के बाद में हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। देन इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, इनको थोड़ा सा हम अच्छे से फ्राई होने देंगे और डालेंगे लाल खड़ी मिर्च। ये अच्छे से ये पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दाल। अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने इसमें हल्दी और नमक पहले ही डाल रखा था तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और इन्हें भी मिक्स कर देंगे। और अब हम दाल को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। दाल को देखिए मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया है क्योंकि दाल पकवान में जो दाल होती है वो गाढ़ी ही होती है। यदि आप इंस्टेंटली सर्व कर रहे हैं तो इसे गाढ़ी ही बनाइए और यदि इसे बाद में सर्व करेंगे बनाने की तो आप इसे थोड़ा सा पतला बना सकते हैं। ये रखे रखे खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, इससे दाल में और ज्यादा टेस्ट आएगा।
और इसको मिक्स कर देंगे। और देखिए हमारी दाल बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम पकवान बनाने के लिए अपना डो चेक कर लेते हैं। देखिए डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है, ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब हाथों में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे और इस आटे की अब हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आपको जिस साइज का पकवान बनाना है वो साइज आप ले सकते हैं। मैं मीडियम साइज का बनाऊंगी तो मैंने मीडियम लोई ली है। पकवान बनाने से पहले मैं प्लेटफॉर्म पे थोड़ा तेल लगा देती हूँ जिससे जब हम इसे बेलें तो बिल्कुल चुपके ना, और थोड़ा सा तेल हम बेलन पे भी लगा देते हैं और अब इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पकवान साइज की रोटी बेल ली है, इसे हमने ज्यादा मोटा नहीं रखा है, हमें इसे पतला ही रखना है और अब हम इसमें ऐसे होल कर देंगे जिससे कि जब हम इसे तेल में तलें तो ये पूड़ी जैसा ना हो जाए, तो ये करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है, चलिए अब पकवान तलना स्टार्ट करते हैं। हमें पकवान को दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तलना होगा। देखिए दोनों तरफ से जो पकवान है वो अच्छे से क्रिस्पी और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी पकवान भी तैयार करते हैं। हमारी दाल भी तैयार है, पकवान भी तैयार है, तो देर किस बात की। चलिए अब इसे सर्व करते हैं ठेला स्टाइल में। देखिए मैंने पकवान लिया है, इस पर अब मैं डालूंगी दाल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब आप दाल को प्रिपेयर कर लेंगे और रेस्ट पर रखेंगे तो ये अपना आप गाढ़ी हो जाएगी, तो ये गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें दो चटनियां मिला रही हूँ, एक है इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरी धनिया की चटनी, प्याज और टमाटर। आपने देखा होगा कि हमने दाल में प्याज और टमाटर बिल्कुल नहीं डाले थे क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और देखिए हमारे दाल पकवान बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट है, तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।